शुभम का एक सवाल ले लेते हैं। पूछ रहे हैं कि सर मेरी तैयारी तो ठीक होती है बट पेपर में जितनी तैयारी करके जाता हूँ उस हिसाब से स्कोर नहीं आ पाता है। पैट एग्जाम में भी तैयारी ठीक थी बट मेरे 68 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100, जबकि मेरी तैयारी ठीक थी और मुझे चीज़ें आती भी थी। अब देखो ऐसा है, देखो ऐसा मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। जब आप पेपर देने जाते हैं तो क्या करते हैं, देखो पेपर में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, ये करते हैं जैसे पेपर मिला, ठीक है, मान के चलो ये डायरी मेरी पेपर है, ठीक है, ये डायरी है, वैसे डायरी मेरी पेपर। जब पेपर होता है तो हमको एक एक्साइटमेंट रहता है कि यार पेपर में क्या सील मत खोलना, बट हम पेन उचका उचका के खोल लेते हैं, फिर हम उझक के देखते हैं ये क्वेश्चन आ रहा होता है। गलती बड़ा कहाँ पर होती है, सबसे बड़ी गलती बता दूँ स्कोर अच्छा ना आने का ये भी कारण होता है कि आप पेपर को पूरा देख लेते हो। मतलब 90% लोग जो ये करते हैं काम क्या करते हैं, पेपर जैसे ही मिला उनने के ओपन कर लो, ओपन करी फिर जल्दी जल्दी पलट के देख ले, ये अरे यार ये सब आते हैं, फिर हड़बड़ी होती है कि यार अब मैं क्या करूं, कौन सा करूं कौन सा नहीं करूं। ऐसा कभी मत करना, अगर ऐसा करोगे तो स्कोर कम ही आएगा। क्यों आएगा, देखो मैं बताता हूं। देखिए क्या होता है, हम पेपर में होते हैं, हमको पेपर में क्या होता है कि टेंशन ऊपर से होती है, टेंशन होती है, और जब हम सारे क्वेश्चन एक बार में देख ले तो हमको बहुत डर, मतलब ये लगता है मेरे को ये क्वेश्चन करना है, ठीक। करने वाले तो आपको अच्छे लगते हैं बट नहीं आने वाले आपके दिमाग में टेंशन पैदा करने लगते हैं, यार जीएस में ये वाला मैंने पढ़ा था, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, यार ये तो मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने यार कह रहा। तो ऐसा गलती मत करना। अब आपको क्या करना है बताऊँ, देखो आपकी तैयारी अच्छी थी, बहुत अच्छी बात। अब मेरे एक तरीका समझ, जब मैं पेपर देने जाता हूँ तो मैं किस तरीके से अपनाता हूँ चीज़ें। देखो जब मैं पेपर देने जाता हूँ मुझसे खूब कहते रहो कि टाइम हो गया, ठीक है, मैं सील खोलता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है, सील खोली, ठीक है, पहला पन्ना देख, ये पन्ना भी इधर का पन्ना भी देखा, पेपर ऐसा आया तो ऐसा पलट लिया, इस पन्ने पर नजर नहीं डालनी। क्यों, क्योंकि हमारा दिमाग क्या होता है, अगर सारी चीजें एक बार में देख लो भसड़ मच जाती दिमाग में कि ये करना है ये करना है, ये तो मेरे को आता है, टेंशन रहती। अब हमने पहले पन्ने पर 10 क्वेश्चन लिखे हैं, उन 10 क्वेश्चनों में से पढ़े, मान के चलो मुझे 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उन 7 को कर लिया, 3 नहीं आते तो कोई इतनी टेंशन नहीं, 3 ही तो नहीं आ रहे, 10 में 7 तो आ रहे मेरे को, ठीक है। आप क्या करना है, ये वाला पन्ना हो गया, अब आपको इस पन्ने पे आना है, एक एक करके पेजेस को सॉल्व करते चले जाओ, तब टेंशन नहीं होगी, ठीक है। या फिर आपको लगता है अगर ये वाला तरीका नहीं करना अच्छा लगता तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे आपका हिंदी बहुत है, हिंदी में तैयारी है, आपको जो पेपर मिलता है उसके ऊपर लिखा था हिंदी के क्वेश्चन इस नंबर से इस पेज नंबर से चालू होंगे, तो आप देख करके इस तरीके से देख करके उस पेज नंबर को ओपन कर लो, ठीक है, हिंदी को ओपन करना, हिंदी जो है ना 10वें नंबर पर, तो हिंदी ओपन कर लिया, हिंदी का पहला पन्ना खोला, पूरा पेपर हिंदी का भी नहीं देखना, पहला पन्ना देख खोला और वहां से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए। अब क्या करते हो, ऐसा अगर आप करोगे तो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस, मतलब जिन सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रांग है, पकड़ है, तो उन सब्जेक्ट में अगर आपका अच्छा स्कोर बनना है शुरुआत से ही, तो अंत में जा करके ना पूरे पेपर के दौरान आप में मोटिवेशन रहेगा कि यार हिंदी में मैं जितना सोच के गया था, जैसे अपना एसटेट में हिंदी में 20 नंबर का आएगा, 20 में से अगर आपने 16-17 कर लिए तो आपको एक कॉन्फिडेंस है, यार हिंदी में तो मेरे हैं ही, मैं जितना सोच के गया था उतना मैंने कर लिया। तो ये होती है स्ट्रेटजी पेपर करने की। बट सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं लोग, हड़बड़ाहट में पूरा पेपर खोल लेते हैं, ये कभी नहीं करना आपको। ये बात मुझे मेरे टीचर ने 12वीं क्लास में बताई थी, जब मैं बोर्ड एग्जाम देने गया था मैं बहुत डरता था मैथ के पेपर से, उन्होंने कहा देखो मैथ में आपको ये करना है, पेपर पूरा नहीं पढ़ना है, आपको पहला पन्ना खोलना है, ये देखना है इसके सवाल आ रहे हैं नहीं है, जो आ रहे हैं वो कर लो, इससे क्या है दिमाग को पता ही नहीं रहता अगले पन्ने पर क्या है, तो इस पन्ने पर जो है ना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो ये तरीका होता है, अगर आप ऐसे करोगे तो मेरे ख्याल से अगली बार ये टेक्निक अपनाते तो आपका डेफिनेटली अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है, बात समझ गए।